नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। लगेगी राइफल फैक्ट्री, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली, इंडियन आर्मी की पुरानी इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए रूस के साथ मिलकर भारत में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करीब 7.5 लाख की 203 राइफल बनाएगी। इसका उद्घाटन पीएम करेंगे। यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरबा में है, जो यूपी के अमेठी जिले में पड़ता है। अमेठी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है और बीजेपी लगातार राहुल पर अपने क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाती रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेठी जाकर इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जहां आर्मी के लिए नई राइफल बनेगी। यहां करीब 7.5 लाख की 203 राइफल रूस की कंपनी भारत में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ मिलकर बनाएगी। यह प्रोजेक्ट सही से काम करे, इसलिए आर्मी के सविंग मेजर जनरल इस प्रोजेक्ट को हेड करेंगे। एके 203 राइफल एके सीरीज की ही नई राइफल है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने करीब 72,000 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अमेरिकी कंपनी से भी करार किया है। 2018 का मॉडल है एके 203 राइफल। करीब 10 साल पहले जब रूस ने इंडियन आर्मी के लिए एके राइफल के नए वर्जन की पेशकश की थी, उस वक्त एके 103 राइफल पर बात हो रही थी, लेकिन अब डील नहीं हो पाई। और अब जब डील फाइनल हुई है तो यह एके 203 राइफल पर हुई है, जहां एके 103 राइफल 2001 का मॉडल था, वही एके 203 राइफल 2018 का लेटेस्ट मॉडल है। और यह ज्यादा स्टेबल, भरोसेमंद तो है ही, और इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, इसका होल्ड भी बेहतर है। इस राइफल में पिकेटनी रेल राइफल के ऊपर लगा एक प्लेटफॉर्म, जिसमें नाइट डिवाइस या दूर तक देखने के लिए डिवाइस लगाई जा सकती है भी है। नई राइफल इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। INSAS इंसास राइफल का कैलिबर 5.55 mm है और इनका वजन करीब 4.5 किलो है। इन राइफल में कई बार मैगजीन क्रेक होने या तेल वापस छोड़ने जैसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन नई राइफल इनसे काफी बेहतर होंगी।